Hey dudes, मैं हूं आपका साइंटिफिक डूड। तो इस वीडियो से लाया हूं मैं आपके लिए कुछ नए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। तो अगर वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और मिलते हैं फैक्ट नंबर वन में। फैक्ट नंबर वन, मनोविज्ञान के अनुसार अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि वो किसी बीमारी का इलाज कर भी सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है, इसलिए खुश रहें। फैक्ट नंबर टू, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार रात में लिया गया डिसीजन हमेशा सच होता है। कभी रात में लिए गए डिसीजन पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग शांत होकर सोचता है, इसलिए वो हमारी हेल्प करता है मीन्स अच्छी डिसीजन लेने के लिए। फैक्ट नंबर थ्री, रॉबर्ट विक नाम का व्यक्ति जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार क्या हुआ इसके साथ, मीन्स इतना खतरनाक व्यक्ति, खतरनाक तो क्या कहूंगा, फिर भी एक बात सुन लो इसके बारे में। एक बार जेल से भागा और कुछ ही देर बाद वापस आ गया। पता है इसने ऐसा क्यों किया, मीन्स वापस क्यों आया होगा, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी थी इसलिए वो वापस आ गया, है ना अमेजिंग सी बात। फैक्ट नंबर फोर, सपने में भी हमारे पास एक शरीर होता है। कहने मतलब ये कि आपको सुनके थोड़ी हैरानी होगी, बट ये सच है। जो हमारा सपना है उसमें एक शरीर होता है अलग सा, आपने कभी महसूस किया होगा, जिसे हम स्वप्न काया कहते हैं, जिसमें हम सपने में होने वाले जीवन के सारे अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, मीन्स करते हैं ना, आपने देखा होगा, मीन्स रियल जैसा लगता है, मीन्स वो एक शरीर होता है सपने में, एक दूसरा शरीर, तो क्या कहूँगा, हाँ बट जो भी कह सकते हैं आप, हो सकता है ना ऐसा। फैक्ट नंबर फाइव, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जरूरत से ज़्यादा सोचना इंसान की खुशियाँ छीन लेता है। कहना मतलब ये कि हम कभी कभी ओवर थिंकिंग ज़्यादा ही कर लेते, तो हम मीन्स खुश अगर हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है हमारी खुशियाँ, थोड़ी सी क्या बहुत कम हो जाती है अगर हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए कम सोचें और काम ज़्यादा करें। फैक्ट नंबर सिक्स, रात को लेटकर मोबाइल चलाने से आधा सर दर्द रहता है और भारीपन भी महसूस होता है, ये मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए फ़ोन ना चलाएं सोते वक्त। फैक्ट नंबर सेवन, 10 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा अपने आप को शीशे में अच्छे से पहचान नहीं पाता, इसलिए उसे शीशा दिखाना बंद करें, ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से। फैक्ट नंबर एट, दो न्यूरॉन्स के बीच की दूरी को सिनेप्स कहते हैं, मीन्स जो उनके बीच की दूरी होती है ना, मीन्स एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन की जो बीच की दूरी होती है, मीन्स छोटी सी जो डिस्टेंस होती है, उससे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। फैक्ट नंबर नाइन, जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वे लोग अपनी लाइफ को लेकर और अपने सपनों को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाएं। और हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें।